हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑथेंटिक राइडर। पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ जो डैश कैम मैं यूज़ करता हूँ, DJI मोला N3, और जो एप्लीकेशन जो मिलता है प्ले स्टोर में जिसका नाम है ड्राइड डैश कैम। दोनों में व्यू में क्या डिफरेंस आता है, दोनों मेरे यहाँ पे विंडस्क्रीन में लगा हुआ है और इसका व्यू अभी आप देखेंगे। बैक टू बैक में कंपेरिजन करके आपको मैं बताने वाला हूँ, और ताकि आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाए कि आपको एक डैश कैम पर्टिकुलरली आपके लिए लेना चाहिए या नहीं, या मोबाइल से आपका काम चल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पर मैं डैश कैम और जो मोबाइल होल्डर है उसका सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पर डैश कैम सेंटर पोजीशन में लगा हुआ है और यहाँ पे जो मोबाइल होल्डर है साइड में है। तो इस टाइप का मोबाइल होल्डर में एक ही प्रॉब्लम है कि जब इसमें लोड पड़ता है तो ये थोड़ा हिलने डुलने का प्रॉब्लम रहता है, इस टाइप का आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जब जर्किंग वर्किंग होगा तो इसीलिए आपको थोड़ा वीडियो में शेकीनेस नज़र आ सकता है। अगर इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं मोबाइल को अपने विंड स्क्रीन में, तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा फ्रॉम मोबाइल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो व्हाइट बॉक्स में आप फुटेज देख रहे हैं वो DJI का है, जो डैश कैम मेरे विंडस्क्रीन में लगा हुआ है, और बाहर का जो फुटेज है वो मोबाइल से कैप्चर किया हुआ है आफ्टर इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्लियरली एक कलर का डिफरेंस और स्टेबिलिटी का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैंने बाद में देखा जो मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा था उसमें जो वीडियो बिट रेट है वो बहुत लो किया हुआ था। तो अगर मैं उसको इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे उसमें से भी एक अच्छा फुटेज या कलर कॉन्टेस्ट मुझे दिखने को मिलेगा, एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मोबाइल का जो व्यू है और DJI का जो व्यू है उसमें आप कलर कॉन्टेस्ट का थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी दिख रहा है। क्योंकि जो डैश कैम का जो एक टेंडेंसी रहता है कि जो कलर है आसपास में कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा ऐसे बूस्टअप वो कर देता है कि फुटेज देखने में और भी अच्छा लगता है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्काई जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं DJI में, एक्चुअली ऐसे ब्लू कलर का था ही नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा मैनुपलेट किया जाता है डैश कैम में ताकि आपको एक अच्छा आउटपुट मिले, आपको देखने में भी अच्छा लगे। और स्टेबिलिटी की अगर बात कहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जितना अच्छा बेहतरीन आप मोबाइल होल्डर यूज़ करेंगे, जितना स्टेबल यूज़ करेंगे, उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि मोबाइल में ऑब्वियसली आपको स्टेबिलिटी तो मिल जाता है वीडियो में, लेकिन अगर उसका फिक्सचर जो है, जो होल्डर है, अगर वो हिलते डुलते रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर आता है और यहाँ पर डैश कैम में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला जो फुटेज आप देखें मोबाइल का, वहाँ पर एक वाइब्रेशन आया। तो ये छोटा मोटा जो चीज़ है मोबाइल कैमरा में प्रॉब्लम है मैं कहूँगा आपसे। तो जितना अच्छा होल्डर है उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। और एक बात है दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक डैश कैम लेना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप मोबाइल से आप वीडियो फुटेज करके आप देख लो। अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपका पर्पस फुलफ़िल हो जा रहा है, देन गो फॉर द एप्लीकेशन एंड मोबाइल फ़ोन। और अगर आपको 24/7 एक सर्विलेंस मोड में आपको डैश कैम चाहिए जिसमें आपको फ्रंट एंड रियर साइड दोनों कैप्चर होते रहेगा, तो डैश कैम एक मस्ट हो जाता है, डेडिकेटेड डैश कैम। ओके, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। डैश कैम मोबाइल एप्लीकेशन में आपको एक नया अपडेट देखने को मिलता है जिसमें आपको कोई भी वायरिंग नहीं करना पड़ता है, मतलब जो चार्जिंग केबल है अपना गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ता। उसमें क्या दिया गया है नए अपडेट में कि अगर कोई भी प्री डिफाइंड ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट होता है आपका फ़ोन, तो इमीडिएटली रिकॉर्डिंग करने चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वायरलेस सिस्टम किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो आपका जो फ़ोन का जो पोर्ट जो है गाड़ी में वो खाली रहेगा, आप दूसरे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो GPS है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा डिटेल्स आपको मिल रहा है, ठीक है, लोकेशन भी दिखा दे रहा है। लेकिन जो GPS DJI में जो है वो बेसिकली जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर वही दिखाते रहता है, और एक्स्ट्रा और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता नहीं है। दोस्तों, डैश कैम का एक डेडिकेटेड पर्पस होता है गाड़ी में लगाने के लिए, सिर्फ वीडियो फुटेज को कैप्चर करना ही नहीं, आपको सेफ्टी भी ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि काफ़ी ऐसे जगह ऐसा होता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट अगर घट जाता है आपके साथ, ठीक है, तो आपके पास प्रूफ होता है उसको दिखाने के लिए। लेकिन यही चीज़ आप अपने मोबाइल के ऊपर टोटली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन आ जाए या दूसरे पर्पज़ के लिए आपका फ़ोन यूज़ हो रहा है, तो उस वक्त आप फ़ोन को एज ए डैश कैम नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंडरी फ़ोन है तो अलग बात है। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको एक डैश कैम डेडिकेट लेना चाहिए या नहीं, या आपका पर्पस कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि डैश कैम का फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है उससे आपका काम चल जाएगा। तो अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी फ्रेंड को अगर ये डिफरेंस बताना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।